आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल और गेहूं के आटे से बनी पपड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और इतनी खस्ता और कुरकुरी बनती है ना ये पापड़ी। आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। और अगर शाम को भूख लगी है बच्चों को तो भी आप इसे दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप एक बार बनाएंगे महीना भर इसे स्टोर करें, ये ख़राब नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 1/4 कप मूंग दाल, ये पीली मूंग दाल बिना छिलके वाली, वो वाली ली है मैंने। और अब इसे डाल लेते हैं एक बोल में और पहले इसे अच्छे से धो लेंगे हम 2-3 बार। धोने से इसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है वो निकल जाएगा। मूंग की दाल डालने से पपड़ी में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, एकदम कचौरी जैसी लगती है ये। देखिए धो लिया है, मैंने पानी निकाल दिया है और हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भीगने के लिए रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। आपको अगर और जल्दी चाहिए तो आप गुनगुने पानी में भी इसे भिगो सकते हैं। अब ढक के रख देंगे इसे 2 घंटे बाद। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भीग चुकी है, मैंने पानी हटा दिया है इसका सारा। ये देखिए अच्छे से टूट रही है। तो अब करेंगे क्या, एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो रोटी बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालें हींग इसमें। और अब ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके डालें, इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। और 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं इसमें ज़ीरा। और अब मैंने 8-10 काली मिर्च और 3 लौंग ली है, उसको खलबत्ते में इस तरह से कूट लेंगे और ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा दरदरा सा इसको कूट लेंगे और ये भी इसमें डाल देंगे। ये डालने से ना कचौरी वाला टेस्ट आता है इसमें, बहुत अच्छी लगती है ये मठरी या पापड़ी, जो भी आप इसे बोलेंगे। और साथ में डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, 6 से 7 कड़ी पत्ते लिए थे। और अब मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून यानी 4 बड़े चम्मच ऑयल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी डाल सकते हैं इसमें। और जो हमने दाल भिगोई थी उसका पूरा पानी निकाल देंगे और वो भी इसी में डाल देंगे। और अब इसे पहले सूखा ही मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अब हाथ से हमें इसे मसलना होगा ताकि मोयन जो है यानी जो हमने तेल डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हाथों से मसल मसल के इसे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा लेकर के आटा हम चेक कर लेंगे, अगर मुट्ठी बंध रही है तो मतलब कि आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अच्छी तरह बंध रहा है, इसका मतलब तेल हमारा सही मात्रा में डाला है हमने। अब 1 कप पानी ले रही हूँ मैं और इस थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे गूंदना शुरू करेंगे, एक साथ सारा पानी ना डालें। ये आटे पे डिपेंड करता है कि कितना पानी यूज़ हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक टाइट सा डो बना लें। इसको नरम आटा नहीं लगाना है हमने, टाइट लगाना है। ये देखिए एकदम टाइट सा डो लगाएंगे इसका। ये देखिए आटा गूंद चुका है और इसके लिए इसको मैं रख देती हूँ करीब 20 मिनट के लिए ढक करके। और देखिए पानी 1/2 कप ही यूज़ हुआ है, 1 कप लिया था मैंने, तो 1/2 कप में ये आटा गूंद के तैयार है। ढक देते हैं 20 मिनट के लिए, 20 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए आटा थोड़ा सा नरम हो गया है, एक बार फिर से इसको मसल मसल के सही कर लेते हैं, क्योंकि क्या है दाल जो हमने भीगी हुई डाली है इसमें वो थोड़ा पानी छोड़ देती है तो आटा नरम हो जाता है, इसलिए टाइट डो लगाना चाहिए क्योंकि बाद में ये अपने आप नरम हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से मसल लिया है और अब छोटी छोटी सी इसकी लोइयां बनाएंगे। आप बड़ी पापड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी लोई बना लें, छोटी छोटी अच्छी लगती हैं, तलने में भी आसानी रहती है, इसलिए छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे इसकी इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से मसालेदार पापड़ियाँ। और जो हम इसमें मसाले डाल रहे हैं ना, कुछ भी आप स्किप ना करें, आप इसमें थोड़ा सा तिल भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, वो भी अच्छा लगेगा इसमें। देखिए सारी लोइयां मैंने बना ली हैं और अब मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है और उसके बीच में इस तरह से डाल के और कटोरी से हम इसे फैला लेंगे। ईजिली फैल जाती है क्योंकि आटा भी नरम हो चुका है तो ईज़िली फैल जाएगी। इससे क्या होगा, दाल टूटती नहीं है और ईज़िली बन भी जाती है।
ये देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, एकदम गोल, और सारे मसाले इसमें नज़र आ रहे हैं, कितनी सुंदर दिख रही है। मसाले अच्छे होंगे तो पपड़ी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इस तरह से मैंने दो बना लिए हैं, और अगर आप अब इसमें पॉलीथीन में नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चकले पे बना सकते हैं, इसे बेल करके, बेलन से बेल लें। ये देखिए इस तरह से आज मैं इसे बेल कर ही बनाऊंगी, उस तरह से नहीं बनाऊंगी। ये देखिए ये भी फटाफट से बेल गई है, बढ़िया लग रही है कितनी, और एकदम गोल शेप आया है। बस इसी तरह से सारी बना लेंगे। और अब मैंने तेल रख दिया है गैस पे, और थोड़ा सा इसमें टुकड़ा मैं डाल के देखूंगी, इतना सा ही गरम हमें चाहिए तेल कि हल्के से बुलबुले उठने लगें इसमें। और अब तेल सही है तो अब इसमें डालते जाएंगे पपड़ियाँ, एक एक करके डालें। ये देखिए अपने आप ऊपर आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें तलना है, और एक एक करके जब हम डालते जाएंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएंगी। अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, नरम आटे की बनी हुई है, तो छेड़ेंगे नहीं। जब ये अपने आप ऊपर आके थोड़ी सी क्रिस्प हो जाएंगी, ये देखिए, तब हम इन्हें पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए इन्हें इस तरह से पलट दें और अच्छा सा कलर आ जाए, यानी कि गोल्डन कलर इस तरह का, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है आप देख सकते हैं, दाल का भी कलर चेंज हो गया है, तो पता चल जाएगा आपको ये बन चुकी हैं और एकदम क्रिस्प हो गई हैं इस वक्त ये। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, और खाने में तो और भी लाजवाब हैं। जो हर चीज़ का इसमें फ्लेवर आता है, हमने लाल मिर्च डाली है, जीरा है, अजवाइन है, और जो लौंग और काली मिर्च हमने डाली है वो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं इसमें। अब इन्हें डाल देंगे प्लेट में और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और क्रिस्प हो जाएंगी और एकदम खस्ता बनती हैं। हमने जो इसमें मोइन डाला है उससे एकदम खस्ता बनती हैं और करारी भी बनती हैं, मज़ा आ जाता है खाने का, चाय के साथ तो और भी मज़ा आ जाता है। तो अब दूसरे बार भी मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बार में कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी ही डालें, ज़्यादा ना भरें कढ़ाई को। ये भी तल के तैयार हैं तो अभी इन्हें भी निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, मन कर रहा है अभी उठा के खा जाएं एक। चलिए ये भी तैयार हैं, इसी तरह से सारी तल ली है मैंने। तो आप इन्हें बना सकते हैं कभी भी, आपका जब भी मन करे, जब मीठा खाने के बोर हो गए हो तो ये बना लें, और चाय के साथ बहुत बढ़िया लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है हमने इसे आटे से बनाया है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और खस्ता है एकदम हाथों के बीच में, ये देखिए एकदम टूट रही हैं। आप इसे महीने भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर नए हैं चैनल पे। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।